सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू, शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे तो अपना काम किए जा। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करे कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। आज का पंचांग 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:38 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र सुबह 8:25 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:46 से 5:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। आप सभी को कांवर यात्रा की शुभकामनाएं और सावन की शुभकामनाएं। इस साल सावन 4 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार यह पवित्र महीना कुल 59 दिनों का होगा। इतना लंबा सावन 19 साल बाद पड़ रहा है। आप सभी को कांवर यात्रा की शुभकामनाएं और मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय होता है और इस बार सावन का महीना बेहतर खास रहने वाला है। 2023 यानी इस साल सावन में कुल 8 पवित्र सावन सोमवार पड़ रहे हैं, जिसका पहला सोमवार 10 जुलाई से शुरू होगा और अंतिम सोमवार 31 अगस्त को रहेगा। धनु राशि 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, घर पर अभी आपके ध्यान की जरूरत है। आप धन को लेकर तंग महसूस कर सकती हैं। अपने सभी नियमों का पूरी तरह से रिसर्च करें। संचार अभी महत्वपूर्ण है। सावधान से बोलें और सुनें। पारिवारिक मामलों को व्यवस्थित रखें और बाकी का जीवन शांतिपूर्ण बीतेगा। आज आप उदासीन महसूस करेंगे किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाएं। वाहन सावधानी से चलाएं। विचार करने के लिए खूब समय लें, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में जुट जाएं। क्रिएटिविटी बनाए रखने से मानसिक सुकून और शांति बनी रहेगी। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना और प्रारूप अवश्य बनाएं। इससे आप ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। घर के साथ साथ बाहरी गतिविधियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। आपको मिले अवसरों की वजह से काम के लिए गंभीरता रहेगी। अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने की वजह से लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा। आप जीवन के अन्य बातों से अधिक काम को स्थिर करने पर ध्यान देंगे। कुछ लोगों के साथ रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन ये जीवन की नई शुरुआत भी है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार फल प्राप्त होगा। पार्टनर के द्वारा बोली गई नकारात्मक बातों के कारण अपना विश्वास कम न होने दें। सावधानियां। आज दिन भर किसी न किसी बात को लेकर मुश्किलें बनी रहेगी। किसी मित्र अथवा पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर विवाद हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। परिवारजनों के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करने से समाधान मिल सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में सुख शांति रहेगी तथा परिवारजनों का भी पूर्ण सहयोग बना रहेगा। दिल की बातें दिल ही जाने और जाने ना कोई, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि आप अपने दिल की हर बात अपने साथी से शेयर करती हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट है और यही कारण है कि लोग आपकी मिसाल देती हैं। ये कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ। अधिकतर मामलों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है, किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे। प्यार क्षमा करने का दूसरा नाम है।
मूड में बदलाव के कारण आज किसी भी विशेष काम को करने से बचें। बात करती हैं करियर की। अच्छा, आपका ध्यान पैसा या घरेलू मुद्दे पर होगा। अपने कीमती वक्त और ऊर्जा को घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए बचा कर रखें। वाहन की खरीदारी भी आज आपके भाग्य में है। कार्य या नौकरी में कोई व्यवधान ना आए, इसके लिए आपको नया सोच को सोचना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे। आपके सितारे भी आज आपको धन और समृद्धि के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। नई योजनाएं शुरू करने के लिए नए लोगों का समर्थन भी आपके लिए फायदेमंद है। बात करती हैं सेहत की। भावनात्मक रूप से खुद को कुछ कमजोर महसूस करेंगे। सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय व्यायाम और मेडिटेशन जरूर करें। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करने की भी कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप शिव मंदिर में जाएं और जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।